hello student we are discussing our class 9th chapter cell so in last session we had already discussed about the cell introduction part unicellular organism multicellular organism the history part of the cell today in this session we will be discussing about the cell types so on the earth there are different type of organisms सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टाइप ऑफ सेल्स एंड शेप ऑफ सेल्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास बट दिस इज द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ सेल नॉट अकॉर्डिंग टू शेप दिस इज अकॉर्डिंग टू डिविजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिस टाइप के ऑर्गेनिज्मिफर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो ग्रुप्स बने बट उसमें वार्ड वास्ट तरीके से सेल्स के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सो द कैटेगरीज ऑफ द सेल ज़ प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल जिनके पास प्रो कैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को हम प्रो कैरियोट्स बोलते हैं एंड जिनके पास यू कैरिटिक सेल होते हैं उन्हें हम यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे तो ये जो अर्थ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है सो so, जो प्रो कैरियोट है और यू कैरियोर्ट्स ऑर्गेनिजम है उनमें क्या क्या डिफरेंस है बेसिकली उनके सेल में क्या डिफरेंसेस हैं? लेट्स डिस्कस इट. सो फर्स्ट मेन डिफरेंस जो प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं दे आर स्मॉल स्मॉल इन साइज ओके एंड यहां पे जो यूकैरियोटिक होते हैं वो लार्ज इन साइज स्मॉल के साथ साथ ये क्या होते हैं सिंपल आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज लार्ज इन साइज ऑफकोर्स दे आर कॉम्प्लेक्स और ये कैसे होंगे लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है दैट मीन्स यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और नॉट ऑर एंड दोनों होते हैं मल्टी सेल्यूलर बट प्रो कैरियोट सिंपल है स्मॉल है दैट्स वाई दे आर ऑलवेज यूनि सेल्यूला ओके देन आफ्टर प्रो कैरियोट की साइज साइज क्या होगी अब स्मॉल है तो ऑफकोर्स उनकी कोई पर्टिकुलर साइज होगी वन टू फाइव माइक्रोमीटर एंड यू कैरियोट्स यू कैरियोट की साइज होती है Basically, 10 to 1000 micrometre. Then after, this cell, they smaller this small hai and simple. Hai. Toh, of course, they need protection. So, for the protection, they have cell wall. Cell wall present. I can write like this. And here, सेलवॉल प्रेजेंट बट ओनली इन प्लांट्स ओके जो प्लांट्स हैं उन्हीं के पास सेलवॉल हो गए एंड द नॉट जय एल्गी प्लांट्स एंड हैव द सेल वॉल। बाकी के जो सारे यू कैरियर्स हैं, उनके किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट देन आफ्टर न्यूक्लियस अब सेल वॉल की बात होगी अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट या तो हम ये कह सकते हैं Well, not organized nucleus is not present, and here in eukaryotes, nucleus is. प्रमिनेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यू कैरियड के पास यू कैरियड में न्यूक्लियस डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाला वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा बट इन प्रो कैरियड एनिमल न्यूक्लियस नहीं होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा कोई मैम्ब्रेन नहीं होगी न्यूक्लियस की तेट्स वाई हम लिख सकते न्यूक्लियस इज एबसेंट बट डीएनए तो ऑफकोर्स डीएनए इज प्रेजेंट तो यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इट सेल्फ सो बट वो किस फॉर्म में होगा यहां पे जो डीएनए डीएनए इज सर्क्यूलर कॉ इन फॉर्म सर्क्यूलर कॉल्ड

डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट देन आफ्टर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहां पे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट Are not present. And in eukaryote animals, all membrane bound organelles are. present so these are the main differences of prokaryote and eukaryotes at the end example what are the example example i written here example are bacteria the smaller organism the bacteria and here the example are fungi algae plants and animals this all are the eukaryotic cells they all have eukaryotic cells and that's why they are called eukaryotes and the bacteria are the prokaryotes and here single cellular jo fungi hoti hai, they are also present इजेशन ऑफ सेल अब हम सेल का स्ट्रक्चर धीरे धीरे हमें सेल क्या होता है सेल के टाइप सेल के शेप कैसे होते हैं डिफरेंट शेप डिफरेंट सेल्स कैसे होते हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है नाउ वी कंटिन्यू विद अवर सेल स्ट्रक्चर कि सेल दिखता कैसे उसमें क्या क्या कम्पोनेंट्स होंगे सेल का स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करेंगे सो द सेल इज स्पेशल कम्पोनेंट कॉल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं सेल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो ऑर्गन से बने हमारी बॉडी को जो चला कौन रहा है ऑर्गन्स तो so सबसे बेजिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है बट सेल के अंदर भी कोई चीज़ है जो स्मॉल मशीन्स हैं वो काम कर रहे हैं वो कौन है ऑर्गेनल्स सो द ऑर्गन छोटे ऑर्गन को हम ऑर्गेनल्स बोलेंगे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सो ये ऑर्गेनल ऑफ़ द सेल्स परफॉर्म द फंक्शन बट दे आर स्पेसिफिक जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है एंड दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं कंस्टिड द बेसिक यूनिट uh, तो ये सारी ऑर्गेनल मिलके क्या बनाती हैं सेल बनाती हैं तो सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट्स व्हाई द सेल बेसिकली सेल में कौन काम कर रहा है द लेबर ऑफ द सेल इज ऑर्गेनल्स तो बेसिक यूनिट सेल है उसमें काम कौन कर रहा है ऑर्गेनल्स आर वर्किंग सो सेल टू प्रोड्यूस टू ऑफ देयर ओन काइंड अब ये सेल है वो अपने सारे फंक्शंस कर रहा है और डिवाइड होता है एंड ग्रोथ करता है एक सेल में से दो सेल बनेंगे दो सेल में से फिर चार सेल बनेंगे इस तरीके से वो सेल ग्रोथ करता है और सेल ग्रोथ करने की वजह से जो ऑर्गेनिज़्म है उसकी बॉडी ग्रोथ करती है तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमने पढ़ा था सेल थियोरी में जो विरकाओ थे उन्होंने बोला था कि ऑल सेल आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट्स वाई सेल हमेशा डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड सो एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म हमने देखा था कि जो सेल है यू सी द सेल दिस इज द सेल तो इसकी जो कोई बॉर्डर लाइन होगी जो बॉर्डर लाइन है वी कॉल्ड इट प्लाज्मा मेम्रेन एंड इनसाइड द सेल एक साइंटिस्ट ने रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था द न्यूक्लियस तो ये जो न्यूक्लियस है इट इज द ऑर्गेनल तो न्यूक्लियस एंड दिस लिक्विड पार्ट लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिकल प्रोटोप्लाज्म एंड दिस मेम्ब्रेन ये क्या बनाता है सेल का स्ट्रक्चर बनाता है तो धीरे धीरे हम ये सारे सेल के पार्ट्स बढ़ेंगे तो प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएट इन टू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म देन आफ्टर सो वन बाय वन डिस्कस वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट सेल पार्ट सो फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट दिस मैम्ब्रेन ये जो बॉर्डर है जो सेल को सेल बनाती हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो सेल को सेपरेट करती हैं तो उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल के पास होती हैं चाहे वो प्रो हो और चाहे वो यू कैरियर हो हमने प्रो और यू के डिफरेंस में देखा कि जो सेल वॉल है सेल वॉल का डिफरेंस वहां पे था कि प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है यू कैरियोट में ओनली सम ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल नॉट ऑल तो सेल वॉल का डिफरेंस है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चाहे वो प्रो हो और चाहे वो यू हो सबके सेल में प्रेजेंट होंगे सो so, द लेयर जो सबके सेल्स में प्रेजेंट इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है राइट इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विथ सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑफ़ ऑफकोर्स जो कोई भी आ, रूम है रूम या घर जो बाउंड्री होती है हर एक बाउंड्री उस चीज़ को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट करती है तो so, यहाँ सेल के पास बॉर्डर लाइन बाउंड्री क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो अब इसका कोई फंक्शन है वॉट इज द फंक्शन एंड इट प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल स्ट्रक्चर सो ये जो प्लाज्मा मेमब्रेन है वो लिविंग होती है अल्ट्रा थिन इलास्टिक थिन एक मेम्ब्रेन हो गई जो इलास्टिक हो सकती है एंड इट इज़ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड वो क्या होगी सिलेक्टिवली परमिएबल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल दैट मीन्स परमिएबल दैट मीन्स जो अलाउ करे कोई भी मॉलिक्यूल जो उससे पास हो सके राइट इट अलाउ बट इट इज़ सेमी परमिएबल सेमी दैट मीन्स कि उससे कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस उस बॉर्डर से उस मेम्ब्रेन से पास हो रहा है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होने देगी बट सेमी पास होने देगी दैट मींस जिसे सेल की रिक्वायरमेंट है सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पास होने देगी अगर सेल में रिक्वायरमेंट हो है, तभी कोई सब्सटेंस, मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है अदरवाइज़ वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है दैट्स हाउ द ये जो प्लाज्मा मेम्बरिन ये बॉर्डर है वो हर एक चीजों को अंदर नहीं आने देती हैं बाकी को वहाँ पे रोकती हैं जैसे कि हम घर पे जो गेट लगाते हैं गेट से हर कोई एंट्री नहीं ले सकता है ओनली द रिलेटिव एंड द नॉन पर्सन कैन एंटर विद द ग्रेट क्योंकि हमने गेट पे क्या लगा रखा है लॉक राइट तो दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है गेट है जिसके पास उस गेट की लॉक की होगी वही अंदर आ सकता है अदरवाइज कोई अंदर नहीं आ सकता है सो इट इज डेलीकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन जो किससे बनी है लिपिड्स, बेसिकली वो फॉस्फोलिपिड से बनी है लिपिड फॉस्फेट है उसमें एंड लिपिड है फैट मॉलिक्यूल उनसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है सो इट इज पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन ओके नॉट ओनली लिपिड्स पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन भी उसमें हैं तो ऑफकोर्स हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो मेम्ब्रेन वो बॉर्डर जैसे कि हमारी वॉल रूम की बॉर्डर किससे बनी है ब्रिक सीमेंट तो उस उसी तरह से हमें सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए जो किससे बनी है फॉस्फोलिपिड्स पॉलीसेकेराइड शुगर राइट पॉलीसेकेराइड शुगर एंड प्रोटीन से बनी है देन आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस परमिट द एंट्री एंड एग्जिट राइट जैसे कोई चीज अंदर नहीं आ सकती वैसे ही सेल के जो अंदर इंटरमीडिएट्स होते हैं सेल के अंदर जो चीजें हैं, वो भी अंदर से बाहर नहीं जा सकती विदाउट एनी कंसर्न जैसे कि सेल को वो चाहिए मटीरियल वो सब्सेंस सेल को रिक्वायर है बट उसके अकॉर्डिंग या आउटर इन्वामेंट के अकॉर्डिंग वो सब्सेंस सेल के अंदर से बाहर नहीं जा सकता है तो वो कौन अलाउ करता है वो सब कोऑर्डिनेट कौन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देट्स वाई इट इज़ कॉल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्बरेन कि सिलेक्टिवली चीज़ें सिलेक्टिवली सब्सटेंस मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं तो फ्लैक्सीबल ऑफ द सेल मेमर एन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एंगल द फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट अब जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से जो फूड है उसे एंगल करते हैं उसे एंगल करके सेल के अंदर लेते हैं तो ये जो एंगल एंगल का जो काम है वो भी किसके थ्रू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अब कोई भी सेल है फॉर uh, एग्जाम्पल हमने जो फूड खाया राइट right? उसमें से निकला ग्लूकोज तो ग्लूकोज अब सेल के अंदर जाना है ग्लूकोज को तो ऑफकोर्स ग्लूकोज जो सेल के अंदर जाएगा इट इज़ अ फूड फॉर द सेल तो जो वो फूड है उसे अंदर लेने का जो प्रोसेस है एंगल्फ करना है वो भी किससे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सो so, एडवांटेज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बनाया है एडवांटेज ये है कि जो यूजफुल मटीरियल है सेल में जो यूजफुल मटेरियल है वो सेल के बाहर ना चले जाएं और बाहर के जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो सारे सेल में ना आ जाए क्योंकि अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर सेल में आ जाएंगे तो वो सेल uh, का जो प्रोसेस है सेल में जो रिएक्शंस हो रही हैं सेल का जो मैकेनिज्म है उसे डिस्टर्ब करेंगी दैट्स वाई बाहर का अनवांटेड सब्सटेंस अंदर ना आ जाए दैट्स वाई इट इज नेसेसरी टू हैव ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और अंदर का जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्योंकि सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही है मेटाबॉलिज्म हो रहा है मेटाबॉलिज्म दैट मींस ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ कोई भी चीज़ टूट रही है बन रही है वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही है सेल के अंदर दैट्स वाई वो सारी चीज़ें जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व है राइट right? वो बाहर के एनवायरमेंट और बाहर के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर वो बाहर चले जाते हैं तो सेल में कोई फंक्शन होता ही नहीं दैट्स वाई सेमी परम्यूल मेम्ब्रेन उसे बाहर नहीं जा, जाने देती हैं जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं तो रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक विटामिन एंड हॉर्मोन्स रो मटीरियल फॉर मेटाबॉलिज्म उन्हें क्या होल्ड करके रखती हैं इनसाइड द सेल देन आफ्टर रिमेन्स विद इन अ सेल ओके इंटरमीडिएट्स सिक्रीशन एंड वेस्ट अब सेल में ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं प्रोसेसेस हो रही हैं तो जो बाहर वेस्ट निकालना है राइट right, सिक्रीशन कोई सिक्री अगर सेल ने कोई प्रोडक्ट बनाया जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनाया एंजाइम बनाया तो सेल से बाहर भेजना है उस क्योंकि उस प्रोटीन और एंजाइम का फंक्शन कहाँ है आउटसाइड द सेल अदर पार्ट में बॉडी के अधर पार्ट में फंक्शन है तो वो एक सेल बनाएगा दूसरे पार्ट में जाके वो सब सेंस वर्क करेगा तो उसके लिए उसे सेल के बाहर भेजना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन तो सिक्रीशन के लिए और वेस्ट वेस्ट भी हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है बॉडी में से वेस्ट भी फिल्टर आउट होता है तो वो सारी चीज़ें सेल से बाहर भेजनी है दैट्स वाई सिलेक्टिवली पर मेम्रेन वहां पर हेल्प करती है सो so, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होंगे क्या क्या वेस्ट हम फेंकेंगे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड राइट हम जो सीओ टू बाहर निकालते हैं वो हमारे सेल से ही निकली हैं जो सेल में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही थी एंड सिक्रीशन क्या क्या है प्रोटीन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया प्रो हार्मोन, हॉर्मोन मिल्क टीयर ये सारी जो बॉडी में सिक्रीशन स्वेट टीयर्स राइट मिल्क सलाइवा ये सारे जो सिक्रीशंस हैं वो सेल से बाहर ही नहीं आते तो बॉडी के सरफेस पे कैसे आते हैं तो दैट्स वाई सेल हैव टू सिक्रीट दिस सिक्रेशन आउटसाइड तो वो किसके थ्रू होगा सेमी परमिएबल मेंबरेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेंबरेन उसे सेमी परमिएबल मेंबरेन भी कह सकते हैं सिलेक्टिवली सेमी बोथ सिमिलर सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेंबरेन एंड फंक्शन फंक्शन वही उसका फंक्शन जो हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है परफॉर्म सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज सचेज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अब ये दो प्रोसेसेस कंडक्ट करती हैं दो प्रोसेसेस मेन जो ये जो हम हम कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ जाता है कोई कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर चले जाते हैं तो ये दो प्रोसेस से कंडक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑसमोसिस लेस अंडरस्टूड दिस व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑसमोसिस ये हम डिटेल में अभी देखेंगे द सबसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन बी मूव एकर द सेल मेमरी इन द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूशन सो द फर्स्ट इज डिफ्यूशन वॉट इज डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड राइट हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाईऑक्साइड एक्जेल आउट करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन ली वो बेसिकली जाकार ही है टू ईच एंड एवरी सेल वो सेल के पास जाइए क्योंकि सेल में ही एक्टिविटीज हो रही हैं देन आफ्टर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्जेल आउट कर रहे हैं वो कहाँ पर जा रही हैं दिस कार्बन डाईऑक्साइड इज कम फ्रॉम दिस सेल ईच एंड एवरी सेल का वेस्ट है तो ये जो डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस हुई ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड देना जो ईच एंड एवरी सेल ने परफॉर्म किया इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन अब ये क्या था गैशियस फॉर्म था राइट गैशियस मॉलिक्यूल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं गैशियस लिक्विड अगर कोई वाटर कोई लिक्विड पार्ट वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर आता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूशन देन आफ्टर सॉलिड कोई सॉलिड सब्सटेंस में कोई चीज अंदर आती है और बाहर जाती है और गैशियस गैसेस तो ये सारे स्टेज में गैस लिक्विड और सॉलिड स्टेज में जो मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जा रहा है इट इज बेसिकली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड सेल में हायर अमाउंट में थी क्योंकि वहाँ पर वेस्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बन रही हैं ऑक्सीजन क्या थी कम थी ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है क्योंकि हमने बॉडी uh, ने इन्हेल की बाहर से हमारी बॉडी में सेल के अंदर गई तो सेल के आउटर साइड में फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल सेल के अंदर सी टू ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे आउटसाइड ज़्यादा है सो so, कार्बन और यहाँ पे सी टू डिक्रीज है और यहाँ पे ओ टू डिक्रीज है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ऑक्सीजन इनर साइड पर मूव करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू आउटसाइड जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वहां पे मूव करेगा इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल ये गैसेस हैं ये ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूशन और ये कौन से मीडियम में होती है गैस लिक्विड सॉलिड कोई भी मीडियम में जो मॉलिक्यूल है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा वी कॉल्ड इट डिफ्यूशन ये जो प्रोसेस है इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है बस अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल अपने आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां पे वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है. और वो कब तक मूव करेंगे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कब तक अंदर बाहर जाएगा जब तक बैलेंस ना हो जाए जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे और यहां पे इक्वल नहीं हो जाता तब तक मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन हियर यू सी द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इफ आई पुट द इंक ड्रॉप इंक ड्रॉप इन वॉटर ये वॉटर बिकर है यहाँ पे कोई इंक डाई का डाई का ड्रॉप अगर हम यहाँ पे डालते हैं बिककर में तो यहाँ पे क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई और वॉटर में क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई है तो डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये वॉटर मॉलिक्यूल्स है तो डाई के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस यहां पे हायर है तो ऑल डायरेक्शन में जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे हियर यू सी डाई के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और कब तक मूव करेंगे जब पूरे बिकर में इक्वल अमाउंट में स्प्रेड नहीं हो जाते सो so, ये जो डाई के मॉलिक्यूल है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर लिए और यहाँ पे इक्विलिबियम स्टेज जब पूरे में सेम अमाउंट में डाई डिस्ट्रीब्यूट uh, नहीं हो जाती तब तक वो मूव करते हैं इक्विलिबियम कंडीशन लाते हैं सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन नाउ देन आफ्टर द ऑस्मोसिस व्हाट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इज सेम लाइक डिफ्यूजन जैसे डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गया ऑस्मोसिस में भी सेम चीज हो रही है बट तो हमें अलग अलग नाम हमने क्यों दिए अगर सेम ही चीज थी तो हम अलग अलग नाम क्यों देंगे बट देर इज अ वन डिफरेंस वॉट इज द डिफरेंस हियर द लोअर सॉल्वेंट पासिस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स ये किसकी बात हो रही है ओनली इन लिक्विड मीडियम यहाँ पे हमने देखा गैस लिक्विड सॉलिड सारे मीडियम में डिफ्यूजन होता है बट ऑस्मोसिस किस में होगा ओनली इन लिक्विड मीडियम देन आफ्टर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्बरेन दिस इज द अनदर डिफरेंस क्या बोला जो मॉलिक्यूल हैं वो किससे पास होंगे सेमी परमिएबल मेम्बरेन जो प्लाज्मा मेम्बरेन है उसके थ्रू डेट मीन्स ये यू सी यहाँ पे जो इंक मॉलिक्यूल थे जो वॉटर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी दर इज द नो प्लाज्मा मेमब्रेन एक मेम्बरेन से दूसरी मेम्बरेन नहीं जाना है ऑल आर द मोलिक्यूल्स बट ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड इट इज रही है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जा रहा है बट कौन लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्वेंट बेसिकली इज वॉटर अगर वॉटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेमब्रेन इट इज कॉल्ड ऑसमोसिस द मूमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेमब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सेंस डिजॉल्व इन द वॉटर अब यहाँ पर एक और चीज़ है ये वॉटर मॉलिक्यूल मैंने बोल दिया आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे बट और क्या है वॉटर का मूवमेंट जो है हायर टू लोअर होगा बट उसमें कौन सा सॉल्यूट कौन सा अदर सब्सेंस अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सेंस डिजोल्व इन द वाटर अगर वाटर में शुगर मिक्स्ड है अगर वाटर में सॉल्ट मिक्स है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे सो थर्स द ऑस्मोसिस नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड अ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर वाटर uh, दो स्टेज है एक आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बोला जहाँ पे हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट मीन्स जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे वाटर क्या होगा लो अगर वाटर में हियर इज द बिका इस बिकर में यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन अब यहां पे है शुगर शुगर हमारी क्या है सॉल्यूट ओके एंड वाटर तो ऑफकोर्स ये सॉल्वेंट है अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे शुगर ज्यादा है शुगर क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे अब यहाँ पे भी वाटर है वाटर में ही तो शुगर डिजॉल्व है तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे सॉल्यूट क्या है हायर है वहाँ पे जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ऑफकोर्स लोअर होगी सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है लोअर है दैट मीन्स यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही मूव किया बट यहाँ पे सॉल्यूट तो हाई था ट मींस वी कैन से दैट की वाटर मॉलिक्यूल मूव टू दायर सॉल्यूट कंडीशन और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस वो किससे होगा सेमी परमिएबल मेमब्रेन के थ्रू आई गिव यू द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस सो देर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन ओके ऑस्मोसिस किससे होगी थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है

तो उस उस कंडीशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बेसिकली जहाँ पे मॉलिक्यूल थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल अमाउंट में उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे दिस इज सॉल्यूशन विथ सेम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और द सेल सेम कन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट डेट मीन्स अगर हम जब शुगर डिजोल्व करते हैं तो शुगर इक्वल अमाउंट में डिजॉल्व हुई है उस सॉल्यूशन में तो वो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर कोई सेल में शुगर ज़्यादा है और कोई सेल में शुगर कम है तो इट इज़ नॉट कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो जहाँ पे इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन हो देर आर नो नेट मूवमेंट वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हायर टू लोअर कंडीशन ही नहीं है सब जगह इक्विलिबियम कंडीशन है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन सो नो चेंज इन शेप एंड साइज तो अगर हम उसमें आइसोटॉनिक सोल्यूशन में कोई भी सेल डालते हैं तो सेल और सॉल्यूशन uh, का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो वहाँ पे कोई ना वाटर अंदर जाएगा सेल के ना सेल से कोई भी चीज़ बाहर आएगी तो इट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन कोई मोमेंट नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का न आफ्टर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कौन सी प्रोसेस हो रही है एंडो ऑसमोसिस अब एंडो ऑसमोसिस क्या होती हैं जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होगी आई विल एक्सप्लेन यू तो सॉल्यूशन विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर ये सॉल्यूशन है दिस इज दॉल्यूशन यहाँ पे क्या है द कंडीशन इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ट मींस यहां पर जो शुगर है अब इसके अंदर मैंने यहां पर सेल डाला है दिस इज अवर सेल सेल कौन से सोल्यूशन uh, में है हाइपोटोनिक उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो सेल ऐसे कंडीशन में है जहां पे आउटर एनवाट में सोल्यूट क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है शुगर जो है लो है कंपेयर टू सेल दैट मीन्स सेल में शुगर ज़्यादा है आउटसाइड द एनवायरमेंट तो यहाँ पे क्या होगा सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स इनटू द सेल दैट मीन्स सेल में शुगर ज़्यादा है तो so, यहाँ पे वाटर क्या होगा कम होगा आउटर साइड पे शुगर कम है राइट शुगर डिक्रीज है सॉल्यूट तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि शुगर कम है तो वाटर यहाँ से सेल के अंदर मूव करेगा वाटर कम्स इनसाइड द सेल दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस एंडो मतलब इनसाइड. अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं इनसाइड द सेल जाते हैं थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज़ कॉल्ड हाइपोटॉनिक सोल्यूशन एंड एंडो ऑसमोसिस प्रोसेस सो दिस इज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस एंडो ऑसमोसिस अगर मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल अंदर जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एंडो ऑसमोसिस तो यहाँ पे जो सेल है सेल की साइज़ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी सेल बिकम स्वेल सेल क्या हो जाएगा स्वेलअप हो जाएगा ओके इवन बर्स्ट भी हो जाता है फॉर एक्जाम्पल आपने रेजिन रेजिन रात को हम जब भिगो देते हैं ओवर नाइट तो रेजिन कभी कभी जब हम सुबह देखते हैं कोई कोई रेजिन बर्स्ट हो गई होती हैं राइट उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो गई होती है वाई बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले गए हैं इसलिए वो बर्स्ट हो गई हैं जो प्रेशर बिल्डअप होता है सेल के अंदर उसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई हैं बर्स्ट अदरवाइज एक लिमिट के बाद वाटर मॉलिक्यूल रेजिन के अंदर जाना बंद कर देते हैं बिकॉज क्या हो गई होती है वहाँ पे आइसोटोनिक कंडीशन हो गई थी, कि जितना वाटर उसमें आ सकता था उतना वाटर सेल के अंदर आ गया है दैट्स व इक्विलिबियम कंडीशन हो गई है, एंड उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं देन आफ्टर द हाइपोटोनिक सोल्यूशन अब सेल के लिए हाइपोटोनिक सेल के सेल में तो ज़्यादा शुगर थी कंपेर टू सोल्यूशन इसलिए वो कंडीशन क्या है हाइपोटोनिक है सेल के लिए दैट्स वाईट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन अब यहां पर यू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक दैट मीन्स यहां पर हम जो सेल रखेंगे दिस इज सेल सेल के लिए ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपर कंडीशन में दैट मीन्स यहाँ पे जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट वो क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज था तो यहाँ पे सॉल्यूट इंक्रीज होगा दैट मीन्स यहाँ पे सेल में जो शुगर प्रेजेंट है उससे ज़्यादा शुगर कहाँ पे प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में दैट मीन्स अगर आप रेजिन को नॉर्मल वाटर में रखते हो तो वहाँ पे होती है एंडो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे अगर आप रेजिन को शुगर वाले वाटर में रख देते हो आपने शुगर डिजोल्व की उसी वाटर में रेजिन रख दी तो वहाँ पे क्या होगा रेजिन में जो शुगर होगी उससे ज्यादा शुगर उस सॉल्यूशन में दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक कंडीशन फॉर द सेल और उसमें क्या होगा एक्सो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे आउटसाइड द सेल मूवमेंट करेंगे सो इन दिस सॉल्यूशन विद द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन द सेल यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है दैट मीन्स जो सॉल्वेंट है इस so, सॉल्यूशन uh, uh, में जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा लोअर होगा सो so, हमने तो पढ़ा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है तो जो सेल में वाटर होगा वाटर कम्स आउटसाइड द सेल एंड तो यहां पे सेल की साइज क्या हो जाएगी डिक्रीज दैट मीन्स यहां पे सेल क्या हो जाएगा श्रिंक क्योंकि जो वाटर था पानी वो तो बाहर आ गया हायर टू लोअर कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया था स्वेल uh, द्रिंक हो जाएगा वॉटर कम्स आउटसाइड द सेल दैट्स वाईज कॉल्ड एक्सो ऑसमोसिस बाहर निकलने की प्रोसेस को एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे एंड दिस इज द टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो दिनों टाइप की प्रोसेसिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेम चीज़ जो मैंने आपको तीनों सॉल्यूशन समझाई है यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ बताई है दिस इज द सेल वॉटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल दोनों जगह मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में है तो यहाँ पे आइसोटोनिक कंडीशन होंगे। यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है एंड 80% परसेंट वाटर है दैट मीन्स यहाँ पे क्या है वॉटर इंक्रीज है सॉल्वेंट 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 कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है बाहर ट्वेंटी परसेंट कॉन्सेंट्रेट वाटर एटी परसेंट है दैट मीन सेम है दैट्स वाई यहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पे फोर्टी परसेंट सॉल्यूट है सिक्सटी परसेंट वॉटर है सेल के अंदर 20% परसेंट और 80% परसेंट वॉटर तो 80% परसेंट सेल के अंदर क्या है ज्यादा है और यहां पे लोअर है दैट्स सेल में से वॉटर मूव आउट ऑफ द सेल तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा श्रिंक सो इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सेल के लिए हाइपर कंडीशन हो गई इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक और यहाँ पे टेन परसेंट सोल्यूट एटी परसेंट तो वाटर मूव इन साइड और इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने रेड ब्लड सेल्स का सो दिस इज हाइपर आइसो एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेम लाइक दिस दिसन आफ्टर सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंप्लीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन करती है और कौन से प्रोसेसिस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नाउ द नेक्स्ट बॉर्डर अब सेल में एक बॉर्डर तो हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सब में प्रेजेंट होती हैं बट नेक्स्ट जो दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर है दूसरी जो बॉर्डर है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्योंकि प्रो कैरियो क्या होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको वो सिंगल सेल से बने तो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए इस एनवायरमेंट कंडीशन में रहने के लिए कोई भी एनवायरमेंट कंडीशन में रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए ज़्यादा प्रोटेक्शन तो ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए उन उन सेल्स को हमने क्या उन ऑर्गेनिज्म को हमने क्या प्रोवाइड किया था सेल वॉल और जो यू कैरियोटिक है उसमें किसी के पास ही सेल वॉल था जैसे कि प्लांट्स प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन उन्हें जो भी कंडीशन है एनवायरमेंटल कंडीशन उसी कंडीशन में रहना है दैट्स वाई उनके पास क्या होती है सेल वॉल फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सो हियर यू सी द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर से दिख रही है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो डार्क कलर से आपको दिख रहा है इट इज सेल वॉल दैट्स वे जो जो सेल है उसमें दो बॉर्डर है दो प्रोटेक्शन है ऑफ द मेम्ब्रेन सो प्ला प्लांट सेल्स एडिशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अनदर रिजिड कवरिंग तो सेल वॉल क्या होती है प्लांट का जो सेल होता है उसका शेप फिक्स होता है वो रिजिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था इट इज इलास्टिक इलास्टिक मेम्ब्रेन होने की वजह से वो शेप चेंज कर सकती हैं जैसे कि हमने सॉल्यूशंस देखे अगर वाटर अंदर आ जाता है तो सेल बड़ा हो जाता है अगर वाटर बाहर आ जाता है तो सेल क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है बट ये चीज़ प्ला जिसके पास सेल वॉल है वो सेल वॉल वैसी की वैसी रहेगी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक है दैट्स वाई वो बड़ी और छोटी हो सकती है ना कि सेल वॉल तो सेल वॉल क्या है रिजिड है वो जिस शेप में है सेल उसी शेप में रहेगी तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिजिड लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्योंकि रिजिड है इसलिए हमेशा जो रिजिड चीज़ें होती हैं वो आ, आ, आउटर सरफेस में होती है दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था लिविंग थी बट सेल वॉल जो होती हैं वो क्या होती है नॉन लिविंग बिकॉज जो रिजिड चीज है रिजिड चीज़ ऑफकोर्स क्या होती है नॉन लिविंग होती है तभी वो रिजिड है कोई फंक्शन नहीं करी अपनी जगह से हिल नहीं रही है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था सेमी परमिएबल है उनसे मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जा सकते हैं बट सेल वॉल इट इज़ ए फ्रीली परमिएबल दैट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस करके आ सकता है और बाहर जा सकता है बट इट इज़ नॉन लिविंग तो वहां से कोई हार्मफुल uh, बैक्टीरिया कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर नहीं आ सकते हैं वो न रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे बट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसे पास होके अंदर आ सकते हैं सिक्रेट बाय द सेल इट्स फॉर द प्रोटेक्शन सेल वॉल किससे बनी है? सेल खुद ही ऐसे मटेरियल, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिससे वो सेल वॉल को फॉर्म करें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी जो प्रोटीन्स हैं जो लिपिड सिक्रीट होते हैं वो खुद सेल सिक्रीट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए तो सेल वॉल बनाने के लिए भी सेल खुद सिक्रीशन करेगा और वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा द प्लांट सेल वॉल इज अप ऑफ फाइब्रस पॉलीसेकेराइड अब हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी पॉलीसेकेराइड था बट यहाँ पे ओनली पॉलीसेकेराइड है वहां पे हमने देखा लिपिड्स भी थे राइट एंड प्रोटीन्स भी थे बट यहाँ पे फाइब्रस पॉलीसेकेराइड्स दैट मीन्स वो रिजिड है हार्ड है एंड नॉन लिविंग है उसके लिए फाइबरस पॉलिसकेराइट्स आर इम्पॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे कॉल्ड सेल्यूलोज प्लांट की सेल्यूलोस फाइबरस जो पॉलीसेकेराइट है वो क्या है सेल्यूलोज उसे हम क्या बोलेंगे सेलुलोज इज़ ए सब्सेंस जो प्लांट की सेलवॉल में प्रजेंट होता है और उसे रिजिड और नॉन लिविंग बनाता है सो प्लांट सेलवॉल इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोज So, here we complete the plasma membrane and cell wall. Another function, another organelles of the plant and animal uh, cell, we will be discussing in our next session. Thank you.